लाठा रही हो बछेड़ बुला देंगे बाबू भैया, रियल और रियल लाइफ में फर्क होता है। मारवाड़ में इन दिनों ये शब्द कुछ बहुत ही ज़्यादा चर्चाओं में है। नमस्कार, मेरा नाम है अभिषेक जाखड़ और आप देख रहे हैं RJ TV 24। RJ TV 24 की चुनावी यात्रा इन दिनों राजस्थान के मारवाड़ में है। मारवाड़ का मतलब बाड़मेर, जैसलमेर और बालोतरा लोकसभा क्षेत्र, क्योंकि यहाँ पर वैसे तो कई प्रत्याशी अपना भाग्य आजमा रहे हैं, लेकिन मुकाबला त्रिकोणीय है। भाजपा और कांग्रेस के अलावा शिव से निर्दलीय विधायक रविंद्र भाटी ने फिर एक बार निर्दलीय चुनाव में कूद कर चुनाव को रोमांचक बना दिया है। वैसे तो आपको बता दें, बाड़मेर, जैसलमेर और बालोतरा लोकसभा क्षेत्र से भाजपा के सांसद कैलाश चौधरी हैं, वही कैलाश चौधरी जो केंद्र की सरकार के अंदर कृषि राज्य मंत्री हैं। कृषि के अलावा यहाँ की जनता को उन्होंने सड़कें, पीने का पानी जैसे कई अनेकों वादे किए थे, लेकिन बात करें कृषि की तो फिलहाल धरातल पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ जिसे कहा जा सकेगी। कृषि के अंदर तो उन्होंने बहुत कुछ काम किया है और यही कारण है कि जो कैलाश चौधरी पिछले 5 साल तक दिल्ली की सड़कों पर घूम रहे थे, उन्हें बाड़मेर, जैसलमेर और बालोतरा लोकसभा क्षेत्र की गलियों में घूमना पड़ रहा है। इसके बावजूद भी यहाँ की जनता इन्हें स्वीकार नहीं कर रही है। वहीं पर बाड़मेर के शिव विधानसभा से विधायक रविंद्र सिंह भाटी ने एक बार फिर बाड़मेर, जैसलमेर और बालोतरा लोकसभा क्षेत्र से निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनावी मैदान में ताल ठोक दी है। आपको बता दें, हाल ही में शिव से विधायक बने और अब रविंद्र की महत्वाकांक्षाएं बढ़ती जा रही है, क्योंकि रविंद्र भाटी ने शिव विधानसभा के चुनाव प्रचार प्रसार के दौरान रामचरितमानस हाथ में लेकर शिव की जनता के बीच सौगंध खाई थी कि आने वाली 5 साल आपके बीच रहूंगा। आखिर क्या मजबूरी रही रविंद्र की कि फिर लोकसभा के चुनाव में निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनावी ताल ठोकनी पड़ी। वहीं पर रविंद्र पर विपक्ष के नेताओं के द्वारा कई तरीके के आरोप लगाए जा रहे हैं, क्योंकि हाल ही में रविंद्र सिंह भाटी लंदन दौरे पर गए थे और उसके बाद से सोशल मीडिया पर रविंद्र की कई तस्वीरें वायरल हुई, जिसके बाद विपक्ष के नेताओं के द्वारा आरोप लगाया गया कि रविंद्र भाटी को 100 करोड़ की फंडिंग मिली है और यही कारण है कि रविंद्र भाटी निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनावी मैदान में उतरे हैं। इसमें कितनी सच्चाई है यह तो रविंद्र भाटी बता सकते हैं या फिर जो आरोप लगाने वाले नेता हैं वो बताएंगे। लेकिन रविंद्र भाटी पर आरोप ये भी है कि रविंद्र भाटी जो राष्ट्रवाद की बात करते हैं वो टुकड़े टुकड़े गैंग से मिले हुए हैं। लेकिन वहीं पर रविंद्र सिंह भाटी अपने हर भाषण में ये कहते हुए दिखाई देते हैं कि लाठा रही हो। इस पर बाड़मेर की जनता ने जवाब देते हुए कहा कि काहे का लाठा रही हो, शिव से विधायक बने, 2 हैंडपंप लेकर आए, अगर सांसद बन गए तो 4 लेकर आ जाएंगे। लेकिन बाड़मेर, जैसलमेर की जनता के विकास के कार्य तो नहीं होंगे ना। खैर, अब ये तो मरुधरा की जनता को तय करना है कि बाड़मेर, जैसलमेर और बालोतरा लोकसभा क्षेत्र से अपने सांसद के रूप में दिल्ली किसको भेजना है। लेकिन अब बात करते हैं कांग्रेस पार्टी से प्रत्याशी बनाए गए उमेदाराम बेनीवाल की। उमेदाराम बेनीवाल वही प्रत्याशी हैं जो 2 बार बायतू विधानसभा क्षेत्र से चुनाव हारकर भी शिक्षा के अंदर एक नई क्रांति लेकर आए हैं। आपको बता दें कि जहां नेता चुनाव जीतकर भी अपने वादों से पीछे हट जाते हैं, वहां उमेदाराम बेनीवाल ने शिक्षा के अंदर बायतू में एक नई अलग जगाई है। बायतू के लोगों का कहना है कि उमेदाराम बेनीवाल ने शिक्षा को लेकर जो एक मुहिम चलाई है, जहां लाखों रुपए से निजी और सरकारी स्कूलों के अंदर बच्चों को डिजिटल बोर्ड दान कर दिए हैं। आपको बता दें कि उमेदाराम बेनीवाल ने मरुद्रा के अंदर एक शिक्षा ही संकल्प नाम से अभियान भी चला रखा है, जनता के बीच वोट मांगने के लिए जा रहे हैं तो वो कहते हैं कि मैंने शिक्षा के अंदर काम किया है और आने वाले समय में मारवाड़ के अंदर मैं शिक्षा के अंदर एक नई जागृति लेकर आऊँगा, डिजिटल क्रांति की एक नई जागृति लेकर आऊँगा। अब ये तो देखना दिलचस्प होगा कि जहाँ त्रिकोणीय मुकाबले के अंदर एक तरफ कैलाश चौधरी चुनावी मैदान में है, केंद्र के अंदर सरकार है उनकी, और जहाँ रविंद्र भाटी लाखों की भीड़ आ रही है, अब ये देखना होगा कि उमेदाराम बेनीवाल इन दोनों को टक्कर मारकर दिल्ली सेंध कैसे मारेंगे। ये तो आने वाली 4 तारीख को पता चलेगा, जब मरुद्रा की जनता अपने प्रतिनिधि को चुनेगी और दिल्ली भेजेगी। लेकिन आपको हमारी स्टोरी कैसी लगी आप हमें कमेंट सेक्शन के माध्यम से ज़रूर बताइएगा, क्योंकि ये चुनाव बड़ा रोमांचक होता जा रहा है जैसे जैसे समय और तारीखें नज़दीक आती जा रही है। फिर मिलते हैं किसी वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। मैं आपके साथ अभिषेक जाखड़, नमस्कार।